अस्सलाम वालेकुम है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी जो है सुबह के 10:30 हो रहे हैं, मैं नाश्ता करने लगा। आज नाश्ता जो है ना वो है पराठे आलू मटर पापड़, तो वही खाते हैं, खा के फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो इस टाइम जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो भाई पहले गाजर सेल किया करते थे, आज जो है ना खीरे लेके आए हैं। अब इनकी खीरे की रेडियाँ यहाँ से डेली निकला करेंगी। भाई कितने दिन चलेंगे खीरे ये? यही भाई महीना ही चलेंगे, एक महीना चलेंगे अब खीरे। पहले गाजरें, मतलब सलाद का सामान इनके पास कम्प्लीटली मिलता है। अभी रेडियाँ यहाँ पे थोड़ी देर में तैयार होंगी और फिर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे ये लोग। 9-10 बजे निकलते हैं, जल भी मार्केट के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं। ओके भाई जान, ओके भाई। कह रहे थे यार, मुझे भी जो है ना यहाँ से गुजर रहा था, मेरी वीडियो बनाने का मूड नहीं था। मुझे कहते यार हमारी वीडियो बना दे साथ यूट्यूब पर डालना। मैंने कहा अच्छा यार, छोटे छोटे स्पॉन्सर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। एक आगे से जो है ना वो चावल आ रहा है मुझे हंसता हुआ देखते हुए। ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बॉस की कॉल आ गई है। तो इस टाइम हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने दूसरे ऑफिस के लिए, व्लॉग लग रहा है, बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो हमारी टीम जो है वो सारी तैयार हो चुकी है, मतलब दूसरे ऑफिस में जाने के लिए। दोनों बच्चे, अजमल भाई, मैं अरसलान, स्टार्ट हो गए। चले तो हेलो गाय, आज जो हमने अपना काम वाम ख़त्म करके ना सुकून से बैठे लेटे में, बहुत लोग चले गए हैं अपना शहर में, उन्होंने तो आज दिन में नहीं ना गए, आज वो इधर से काम ख़त्म करके और उधर चले गए। हम लोग काम ख़त्म करके बैठे हैं, पीछे देखो मस्त जो है अपना बैठ कर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। हम भी अपना काम ख़त्म करके बिल्कुल फ्री हुए पड़े हैं, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जैसे बॉस आएंगे फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी का दिन कुछ ऐसा है कि आज हमारे घर वालों का सबका फिर दिल किया है कि बाहर से खाना खाने को आज हम फिर टिक्के लगवाने के लिए आए हैं। इनका टिक्का सस्ता भी है और मज़े का भी, तो आज यहाँ से टिक्के लेते हैं। घर से खाना खाने के बनाने के लिए सबको जो है ना वो तकलीफ हो रही थी, तो इसलिए जो है वो बाहर से लेकर आ गए दोबारा टिक्के। ये सब टिक्के हमारे लगे हुए हैं, जो इतने ढेर सारे टिक्के हमने लगवा लिए हैं ना, सारे इकट्ठे ही लगवा लिए हैं, तो सस्ते हैं ना और मज़े के बड़े हैं यार। ये नहीं है कि सस्ते की वजह से ले रहे हैं, महंगे जो है ना वो उसका जायका अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या लोग बीच में डालते हैं। ये सस्ते हैं और मज़े के बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ से लेने के लिए आए हैं। सारे घर वाले आज खाएँगे टिक्के। प्रोग्राम यहाँ पर आके दोबारा चेंज हो गया है, घर वालों के लिए टिक्के लेके जा रहे हैं, उनको घर दे देंगे। हम भाई लोग बाहर से फिर दोबारा आएंगे उनको दे के बाहर से खाने खाने के लिए। देखो अब क्या खाते हैं हम आके दोबारा, शायद हज़ारा होटल पे जाएं वैसी दाल के अंदर वो जो टिक्का डलवा के खाएंगे। इस टाइम हम आ चुके हैं तंदूर पे, किसान भाई मुझे देख के हंस रहे हैं कि ये क्या कर बना रहा है। रोटियां लेने के लिए उसके पास रोटी थी, पतली थी और वो छोटी सी रोटी थी, वो सही नहीं थी, हमने कहा खुद लगवाते हैं तंदूर से। तो फाइनली घर वालों को हमने खाना दे दिया, बच्चे बच्चे खाने लग गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर होटल के पे, होटल पे। तो गाइस इस टाइम हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए किसी होटल पे, बड़ा भाई भी आ गया, उमर अली और मिठू उधर अलग से, और हम लोग अब जा रहे हैं कोई होटल तलाश करेंगे सस्ता सा, उस होटल पे जाएंगे। हम जा रहे हैं स्टैना रोड पे, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो सोचा पहले पेट्रोल डलवा लें फिर आगे निकलेंगे। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मेहर जी कैफ़े, मेहर जी टिक्का शॉप, मेहर जी होटल पर। ये है सत्याना रोड पे, बहुत रश है, भीड़ लगी हुई अच्छी खासी यहाँ पे। इस टाइम हम आ चुके हैं मेहर जी टिक्का शॉप पर, और हमने ऑर्डर क्या किया है, हाँ वही अपनी पसंदीदा दाल, उसके अंदर टिक्के डलवा के 3-4 टिक्के और एक लेग पीस अलग से। लेग नहीं है भाई, भाई भाई चेक करो, नहीं होगी, एक नहीं है, क्या हो गया, एक लेग पीस की तरह 5 सीने हैं, जोन सीने जोन। उमर कह रहा है 5 सीने हैं और चेस्ट पीस 5 हमने ऑर्डर किए हैं। दाल दूल कोई नहीं आई, मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा था, या पता नहीं ये मुझे कहानी सुना रहे हैं, ये तो आएगा, देखते हैं ये जब आएगी चीज़ पता चल जाएगा क्या किया इन्होंने। यहाँ पे आ चुका है रायता, तू हाथ मार ले पहले बेटा। लो जी ये आ गया गर्मा गर्म कढ़ाई विद टिक्का दाल, और इनकी हालत देखो, ये इन्होंने सब्र भी नहीं किया, मैंने कहा व्लॉग बनाने तो मुझे लगे टूसने, ये सबसे पहले बड़े भाई ने स्टार्ट की है। अब सारों को नाश्ता याद आ गया, कोई कह रहा है मैंने नाश्ता सुबह का किया, कोई कहता मैंने दोपहर का नहीं खाना खाया, कोई कहता बहुत ज़्यादा भूख लगी, सब्र नहीं हो रहा, नाश्ता किया सारी बात है, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया, तू भी अजीब ही है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं खाना। हम खाना हम लोगों ने अपना ख़त्म कर लिया, खा चुके हैं,
मैंने तो ख़त्म कर लिया है, बाकी लोग खाने लगे क्योंकि मैंने इतना खाना नहीं था। मैं इसके लिए सिर्फ जो है वो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, दो चार निवाले लगाए हैं, बाकी जो है मेरा पेट भर गया है। ये है जी महर जी, माशाल्लाह बहुत रश है, टेस्ट भी अच्छा है इनका, काफ़ी बड़ा सेटअप है, बैठने का भी और खाने पकाने का भी काफ़ी बड़ा सेटअप है इनका। लेकिन फैमिली का मुझे नहीं पता, फैमिली भी यहाँ पे आ सकती है कि नहीं, लेकिन ये है कि जेंट्स लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों ने जाना था सुबह स्कूल, स्कूल जाने के लिए जो है ना इनके पास वाइट सॉक्स का टीचर बार बार बोल रही थी, तो वो अभी जलवी मार्केट से मैं नहीं है, बंद हो गई थी, 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि मिलेंगी, लेकिन मिल गई हैं, चलो शुक्र है। टीचर बार बार बोलती सुबह जो है वाइट सॉक्स पहन के आना, वरना क्लास में नहीं बैठने थे ना, तो अल्लाह का शुक्र है। बंद मार्केट से भी एक आधी दुकान खुल गई थी, खुली हुई थी, जहाँ से मुझे वो मिल गई। तो इससे हम आ चुके हैं घर पे, अपना खाना वाना खाया, बड़ा मज़ा आया, वहाँ पर इंजॉय किया हमने, काफ़ी मूवमेंट थे जो मैंने कैप्चर नहीं भी किए क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाना था। तो अभी घर पे आ चुके हैं, अभी एडिटिंग करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, टाइम 10:30 हो रहे हैं, सारे कहते हैं जल्दी एडिट करके डाला करो। आज मैं घर आया तो आज एयान को बुखार हुआ हुआ है। एयान आपको बुखार हो गया है? एयान को बुखार ढीला हुआ हुआ है, इसके भी मेडिसिन लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।